हेलो दोस्तों, मैं गीत कौशिक। जैसे कि आप सभी को पता है, देखो पहले तो मैं बता दूं, मैं सेबी से रजिस्टर्ड नहीं हूँ, बट जो नॉलेज मुझे है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत से ऐसे बिगिनर हैं जिन्हें ये नहीं पता कि वो इन्वेस्टमेंट कैसे करें, क्या देख के इन्वेस्टमेंट करें, कितनी इन्वेस्टमेंट करें, और भी काफ़ी सारी ऐसी बातें हैं जिनके बारे में मैं इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगी। अगर इसमें कवर नहीं होती तो नेक्स्ट वीडियो में वो कवर हो जाएगी। इस चैनल पे आपको बहुत सारी ऐसी नॉलेज की वीडियो मिलने वाली हैं जिससे कि आप इन्वेस्टमेंट इजीली कर सकते हो। सबसे पहले तो आपका थैंक यू सो मच, आप मेरे चैनल पे आए। अब मैं आपको बता दूं, इन्वेस्टमेंट अगर आप बिगिनर हो, आपको क्या देखना चाहिए? कंपनी के फंडामेंटल आपको चेक करने चाहिए इन्वेस्टमेंट से पहले। बट फंडामेंटल से पहले एक चीज आपको ध्यान रखनी है, आपको इन्वेस्टमेंट किस कंपनी में करनी है। देखो कंपनी चार टाइप के आप कह सकते हो, एक होते पेनी स्टॉक, एक होते स्मॉल कैप। आप बहुत से लोगों को कंफ्यूजन रहती है पेनी स्टॉक और स्मॉल कैप एक ही है, बट नहीं, वो कुछ अलग होते हैं। मैं इस वीडियो में आगे एक्सप्लेन कर दूंगी आपको। सबसे फर्स्ट ऑफ पेनी स्टॉक होते हैं, फिर होते हैं स्मॉल कैप, फिर होते हैं मिड कैप, लास्ट में होते हैं लार्ज कैप। पेनी स्टॉक वो होते हैं जिसके फंडामेंटल वीक होते हैं। इसमें क्या होता है, ये एक सिर्फ आप ये कह सकते हो ये एक जुए टाइप में होता है प्रॉपर। मतलब अगर आप कुछ उसमें इन्वेस्टमेंट करते हो, 10,000, 5,000, 2,000 या 2,00,000, कितना भी इन्वेस्टमेंट करते हो, तो आप ये कभी मत सोचना कि प्रॉफिट होगा। होने को तो कई गुना प्रॉफिट हो जाएगा और नहीं तो जीरो भी हो सकता है। मैंने अपने दूसरे चैनल पे वीडियोस बनाई थी कि भाई एक कंपनी थी जो मतलब उसका क्या कहते हैं अनलिस्टेड हो गई थी, एंजल में मैंने बनाई थी, और वो उसके फंडामेंटल इतने वीक थे, वो बैंकक्रप्ट हो गई थी, कंपनी बंद हो गई थी, जिसने जितने पैसे इन्वेस्टमेंट कर रखे थे वो जीरो हो गए थे सभी के। इतने सारे क्वेश्चन आए थे मेरे पास उसको लेके, तो भाई हम क्या कर सकते हैं। मैंने तो पहले ही बता दिया था इसके फंडामेंटल, मैंने अच्छे से चेक करके उसमें बताया था कि इसके फंडामेंटल इतने वीक है, कंपनी पे इतनी डेप्थ है, बट लोग होते हैं ना ज़्यादा कमाने के चक्कर में ज़्यादा गंवाना भी पड़ जाता है। तो पेनी स्टॉक में सेम यही सिचुएशन रहती है। अगर कभी इन्वेस्टमेंट भी करते हो पेनी स्टॉक में, तो आप ये समझ के इन्वेस्टमेंट करना, ये मैंने सट्टे में लगा दिए, जीत भी सकता हूँ हार भी सकता हूँ, ठीक है। पेनी स्टॉक ये होते हैं। अब आती है स्मॉल कैप। स्मॉल कैप क्या होती है? स्मॉल कैप कंपनीज की आपको मतलब मार्केट कैप चेक करनी होगी। मार्केट कैप 5,000 करोड़ से जो नीचे की कंपनीज होंगी वो होंगी स्मॉल कैप, जो कि जिसमें देखो रिटर्न मिलने के चांस ज़्यादा होते हैं, ग्रोथ के चांस ज़्यादा होते हैं, बट रिस्क भी उतना ही ज़्यादा होता है, क्योंकि उनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं होती, इतनी कैपिटल नहीं होती कि वो हर चीज़ को हैंडल कर सके। अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई कंपनी पे, तो वो बहुत जल्दी बैंकक्रप्ट होने के चांस हो जाती हैं, लेकिन ग्रोथ भी बहुत अच्छी करती है। इसीलिए कहा जाता है कि स्मॉल कैप में आप अगर लगाओगे, रिटर्न के चांस भी ज़्यादा हैं और रिस्क भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब आती है मिड कैप कंपनी। मिड कैप कंपनी की जो मार्केट कैप होती है वो 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ से नीचे, मतलब यहाँ तक होती है 5,000 करोड़ से ऊपर और 20,000 करोड़ से नीचे। इस बीच में जिसकी मार्केट कैप होती है उसे मिड कैप कहते हैं। इसमें जो स्मॉल कैप होती है उससे रिटर्न थोड़े से कम मिलने के चांस रहते हैं और रिस्क भी उससे कम होता है। एक तरीके से आप कह सकते हो रिस्क मिड कैप और जैसे बोलने में है ना लार्ज कैप, फोर्थ होती है लार्ज कैप, तो उनका बीच का रहता है। इसमें रिस्क भी स्मॉल कैप से कम होता है और रिटर्न भी स्मॉल कैप से कम होता है। अब आती है लार्ज कैप। उसमें क्या होता है, उसमें जो मार्केट कैप होती है वो 20,000 करोड़ से एबो की होती है, मतलब उससे ज़्यादा कितना भी हो सकता है उसे हम लार्ज कैप कंपनी कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें रिटर्न के चांस कम होते हैं, रिस्क भी बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम आप कह सकते हो। इसमें रिटर्न कम मिलने के चांस रहते हैं और रिस्क भी बहुत ही कम होता है। तो अब आप सोच रहे होगे इनमें से किस में हम इन्वेस्टमेंट करें। आपने सारी एक्सप्लेन कर दी, बट इसमें से किस में हम इन्वेस्टमेंट करें। तो आप इन्वेस्टमेंट के लिए
आप फंडामेंटल चेक करोगे, क्योंकि देखो वो आप पे डिपेंड करता है आप कितना रिस्क ले सकते हो, कितना आप रिटर्न चाहते हो। लेकिन आप सोचते हो स्मॉल कैप में हम इन्वेस्टमेंट कर देंगे, लेकिन उसके लिए आपको फंडामेंटल चेक करने होंगे। फंडामेंटल में क्या क्या आपको चेक करना होगा और कितना सही होता है, कितने चीज़ें सही होनी ज़रूरी हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें फंडामेंटल में जो मैं आपको चेक करने बताऊंगी। फिलहाल तो मैंने आपको सिर्फ इतना ही बताया है कि कितने टाइप की कंपनीज होती हैं, किसमें कितना रिस्क होता है, कितना रिटर्न आपको मिल सकता है, ये चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैंने ओनली एजुकेशन पर्पज से बनाई है, मैं किसी को पर्सनली नहीं कहती कि आप स्मॉल लार्ज या किसी में इन्वेस्टमेंट करो। होप करती हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी, पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो और पहली बार चैनल पर विजिट करें तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।